उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आज लोगों की शिकायतें सुनी। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना हालात की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा, डेंगू और मलेरिया से सजग होकर निपटा जा सकता है। फॉगिंग दवाइयों का छिड़काव और लार्वा को खाने वाली मछलियों को डालने से लेकर सारे काम नगर निगम करेगा, जिससे डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर महिला कांग्रेस के नए लोगो का अनावरण किया। आतंक के खिलाफ मुहिम में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक धरावी का रहने वाला है, जिसका संबंध पाकिस्तान से है। ये आतंकी 13 सितंबर को ट्रेन से मुंबई से दिल्ली जा रहा था। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को अपने निशाने पर लेते हुए कहा, मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई समझौता कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास दुकान के बाहर एक व्यक्ति का शव मिलने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार से माई भारत के लिए केशव चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर के नगर और ग्रामीण क्षेत्र में राशन उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने खाद्य पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में उपजिलाधिकारी से मुलाकात की। मुक्ता सिंह ने बताया कि राशन उपभोक्ताओं को राशन कार्ड ऑनलाइन करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कई गरीब राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। रुड़की में फेसबुक हैकर और ठगों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता के समर्थन में रुड़की बार एसोसिएशन सामने आया। याचिकाकर्ता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि समय रहते अगर पुलिस इन हैकर और ठगों पर कार्यवाही कर लेती तो मामला इतना आगे ना पहुंचता। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में जोश को देखते हुए कर्नल ने कहा, आम आदमी पार्टी का दूसरी राजनीति पार्टियों से अलग है। आम आदमी पार्टी जनता की राय लेकर कोई कदम उठाती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत पर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल के भीतर जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में हंगामा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद से माय भारत के रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सीडीओ चर्चित गौड़ ने शिकोहाबाद ब्लॉक के गांव कंथरी का दौरा करते हुए वहां पर साफ सफाई का जायजा लिया। अधिकारियों के आगमन को लेकर गांव में मजदूरों को काम पर लगाकर साफ सफाई की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के पैर पसारने के साथ ही आजमगढ़ में भी डेंगू का कहर देखा जा रहा है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, जिले में अब तक 5 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों में 2 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2 मरीजों का इलाज चक्रपाणीपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आजमगढ़ से माय भारत के लिए संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई के कोतवाली संडीला क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मां की ओर से दी गई तहरीर के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई से माय भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। कुशीनगर में पुलिसकर्मी की ओर से ड्यूटी लगाए जाने का कारण पूछने पर आरआई ओपी यादव ने अन्य सिपाहियों के साथ मिलकर सिपाही की लाठी और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित सिपाही ने एसपी से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कुशीनगर से माय भारत के लिए अतुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के 21 सितंबर को होने वाले संभल दौरे से पहले प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए सभी तैयारियां दुरुस्त कराने के लिए जुटा दिखाई दिया। संभल से माय भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में स्थायी संविदा एवं सफाई कर्मचारियों ने लालबाग के महिषी सुपच सुदर्शन पार्क में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ से माय भारत के लिए दानिश खान की रिपोर्ट।
कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए खाली सिलेंडरों को कब्जे में लेकर कई दुकानों को सील कर दिया। कानपुर देहात से माय भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात में अकबरपुर के रहने वाले शिवम गुप्ता ने माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत करते हुए 1,00,000 रुपए ठगे जाने का आरोप लगाया। ठगी का शिकार हुए युवक ने बताया कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 1,00,000 रुपए ठग लिए हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे माई भारत न्यूज के साथ।